हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउजी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज पवित्र जन्माष्टमी दिवस में आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। प्रभु श्री कृष्ण निकट में मुझे ये प्रार्थना करे कि आपण मैंने समस्त एथर निज निजर ड्रीम जॉब अचीव करनी। तो फ्रेंड्स, आज आम कौन डिस्कशन करवा ना आम ओ ट्रिपल एसएससी और फायरमैन को टारगेट कर आम कंप्यूटर गोटे टेस्ट आम डिस्कशन करवा। तो ये जो टेस्ट गुड़ी आपको पूरा 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहा। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, आज प्रथम क्वेश्चन देला कौन ना वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। तो आम गोटे सेन्टेन्स स्पेलिंग कि ग्रामर एरर अच्छी कि नहीं आम केमी डिटेक्ट कर। तो क्यों सर्टकट की यूज करके आम डिटेक्ट कर पचारा। ऑप्शन ए देला कौन ना प्रेस शिफ्ट प्लस एफ सेवेन ना एफ सेवेन खाली प्रेस करके चेक करेंगे ना ऑल्ट प्लस एफ सेवेन चेक करके प्रेस करके चेक करेंगे ना नॉन ऑफ दिस। तो आपण मैंने निजे निजे ट्राए करूँ। आम ये वीडियो में कतोटी क्वेश्चन डिस्कसन करवा ना 25 टी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो आउट ऑफ 25 आपंकर केते कौन स्कोर रोज निश्चित भाव मत कमेंट जनइबे। तो निजे निजे करने ट्राए करूँ। तो देखते फ्रेंड्स, आम जो फंक्शन की सब जो रहा तो फंक्शन की आम कतोटी फंक्शन की अच्छी ना 12 फंक्शन की अच्छी। तो 12 आग फंक्शन की आप मन रखा निहाती दरकार आपको एग्जाम पकई देपे। कारण ए जो आपंकर आसाला कौन ना एफ फाइव की आम कौन में यूज करे। तो एफ फाइव की आम यूज करे कम ना रिफ्रेस करने से पचार कौन स्पेलींग एंड ग्रामर पर। तो स्पेलींग एंड ग्रामर पर हम कौन ना प्रेस एफ सेवेन। एफ सेवेन की आम यूज करे स्पेलींग एंड ग्रामर एरर पर। ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर। सेमती आपंकर से पचारद कौन ना एफ फाइव की आम वार्ड्रे कौन पर यूज करे। तो वार्ड्रे एफ फाइव की यूज होपन फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस टैब ओपन करने आम एफ फाइव यूज करे कौन ना एम एस वार्ड। बाकी एफ ट्वेल्व जब कथ देखा तो एफ ट्वेल्व हो एम एस वार्ड कौन काम करती ना ओपन सेव आज डायलॉग बॉक्स। तो सेव आज डायलॉग बॉक्स आप ओपन ओपन करने कौन सर्टकट की यूज करते ना एफ ट्वेल्व। तो सेमती आप सबूक कौ सर्टकट की यूज कले रिनेम कराव क्यों सर्टकट की यूज कर हेल्प नहीं पारे। तो सब गुड़ी आप मन रखिए निहाती आवश्यक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपण कौन ना द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट द इनफॉर्मेशन इज द स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड आज यू कैन पेस्ट। तो सी कहला कौन ना आम जी मन कर एठार जो गोटे कमांड अच्छी कौटा ना ये देन टाक मुझे कॉपी कली माने यू मैंने चाहूँगी यू टोटाल देन टाक उड़े देकी आउ गोटे जगार मुझे स्टोर करी चाहूँगी माने तार्थ कौन ना मुझे कट करी देन टाक कट कले कट कले जगार पूरा उड़ीजर से मोर क्लिप बोर्ड में सेव होपर मुझे जो जगार चाहिए से जगार मुझे पेस्ट करी। तो से कथा ही पचारा से पचारा कौन ना द कमांड यूज टू रिमूव द टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट गोटे डॉक्यूमेंट आपन टेक्स्ट कि ग्राफिक्स को रिमूव करके द इनफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ऑन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड आप स्टोर करिए सेटा को आम कौन आज यू पेस्ट इट जो भी आप चाहिए क्लिपबोर्ड सेव कला आप जो चाहिए सीटी पेस्ट करेंगे। तो सेटा को आम कौन कही था ना कट भी कही था ना जी आप चाहते ये जगह जो जिनसा अच्छी सेटा को सही जगह रोक सहीटा को आउ गोटे जगह पुणी पेस्ट करने चाहते सहीटा आपंकर कौन ना कॉपी पेस्ट हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चलतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंटर। तो आम प्रिंट प्रिंट करने गोटे डॉक्यूमेंट आम बनइले से डॉक्यूमेंटा जब आम चाहे प्रिंट काढ़ापे क्यों मेनू चूज करा से पचारा। तो देखते फ्रेंड्स आपर यहाँ है एम एस वार्ड। एम एस वार्ड में प्रथम जी जी डॉक्यूमेंट गोटे बनईदे बनई सारापर आप जो फाइल मेनू को जी फाइल मेनू को चूज कलापर आपर एमती इंटरफेस ओपन हो सही जगह आपंकर सेव रहा सेव आज रोक प्रिंट ऑप्शन भी रोक। तो यार राइट आंसर टी कौन ना फाइल मेनू। ऑप्शन ए आपंकर सठिक उत्तर। तो जो जगह आपंकर जहाँ भी दरकार मुझे जगार स्क्रीनशॉट आपको उठे आपको देखेदेव जहाँफल आप प्राक्टिकल नॉलेज रहा कंप्यूटर मैंने प्राक्टिकल नॉलेज रहा निहाती आवश्यक। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना इन एक्सेल डैश कंटेंट्स वन और मोर मोर वर्कशीट। तो गोटे एक्सेल वन और मोर वर्कशीट रहिले सेटा को आम कौन कही था ना सेटा को आम वर्क बुक बिल कही था एक रु अधिक वर्कशीट रहिले सेटा को आम वर्क बुक बिल कही था। ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना द डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम द एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। तो आप कौन भी डाटा यदि कॉपी करते सी संगे संगे कौर स्टोर होगी रोहे ना क्लिपबोर्ड में स्टोर होगी रोहे देन आप जो जगह आपने पेस्ट करा चाहते से जगह को जाकि पेस्ट करेंगे। तो प्रथम आपंकर क्लिपबोर्ड में सेव होगी
लगी रही है ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हाज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, तो क्यों मेमोरी सबुठार शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम बोली से पचारा, तो यार राइट आंसर टी कहो ना काचे मेमोरी ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर। तो काचे मेमोरी हूँ कौन ना इट इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया कैचे मेमोरीटा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना द फास्ट माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौटा बोली से पचारा, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर हूँ इंटेल 4004 ऑप्शन बी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन कहला ना आज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, तो आप जी सेकेंडरी मेमोरी को कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौनटा, तो देखते फ्रेंड्स आपने जानते आम मेमोरी के ना मेमोरी आम दुई भाग विभक्त, गोटे कौन ना प्राइमरी मेमोरी जोटा को जार अन्य नाम हूँ कौन ना मेन मेमोरी, आउ गोटे सेकेंडरी मेमोरी जोटा को आम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कही था। तो प्राइमरी मेमोरी आम रोज किए ना रैम रोज, आउ गोटे रहा रोम, रैम रोम है आम प्राइमरी मेमोरी, आ सेकेंडरी मेमोरी तो आप जानते आप फ्लॉपी डिस्क है सीडी है डीवीडी है मेमोरी कार्ड है पेनड्राइव है यह सब कौन ना आम सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी, तो सी पचारा कौन ना आज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज, तो आम जी सेकेंडरी मेमोरी को कंपेयर करा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ठीक कौन होता है ना फास्ट होता है ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हाट डज सी प्रेजेंट इन द एमआईसीआर, तो एमआईसीआर रे जो सी अच्छी से सीटा कौन बोली से पचारा, तो एमआईसीआर रो फुल फॉर्म होची कौन ना मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो सी होची कौन ना कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कौटी होची ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व मुझे आपको कही रखुच्छी कि जो मैंने भी आम पेड ग्रुप में जॉइन हो सारी, तो वीडियो को दुई मिनट स्किप कर दिंतु, जो मैंने जॉइन होना मुझे कही रखुच्छे कि आप इंटरेस्टेड अच्छा जॉइन होगा, तो देखते फ्रेंड्स आपको एवरीडे 50 लाखे क्विज प्रोवाइड कराई जोटा कि जिके रू 10 ओडिया 10 इंग्लीश 10 कंप्यूटर 10 और मैथ्र जो 10 क्विज प्रोवाइड कर तार डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिखाई और जो आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया, तो से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपंकर केवल जो LSI फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड जो कंबाइंड एग्जाम तापाई 10 आउ जो 10 रहा है आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस प्रोवाइड कर प्रति सब्जेक्ट रू गोटे गोटे लेखे ई बुक प्रोवाइड करशा जिके को फुल कंप्लीट कवरेज कर 26 प्राक्ट सेट आपा जिके प्रोवाइड करपर आपंकर रहा कौन ना करेन्ट अफेयर ओडा करेन्ट अफेयर सबकि आपको से गोटे ग्रुप में मिल जाओ, जदि जॉइन होगा इंटरेस्टेड अच्छा डेरी करूँ ना आपड़ जब नुआ स्टूडेंट अच्छा आम कौन सी ब्याच जॉइन होना आपंप प्राइस रही 79 ना जी आपर आगू पीओ ब्याच जॉइन थे आपंप प्राइस रोह 59, तो यही जो नंबर टी आप स्क्रीन में शो करुँच 8338850200, तो यही नंबर आपने नुआ अच्छा 79 पेमेंट करूँ ना तो ओल्ड स्टूडेंट होते 59 पेमेंट कर तार स्क्रीनशॉट नहीं मत यही नंबर में व्हाट्सएप सेंड करते आप ग्रुप में संगे संगे आड कर दीजिए, तो एवरीडे आपंकर क्विज चलती तेणुक आपने जल्दी जॉइन हूँ कारण ऑलरेडी आम 20 दिन आम क्विज कंप्लीट हो सारे, तो सबु जगह क्विज आपने डे वन जहाँ भी क्विज सबूतक आपने आज भी जॉइन देपारे तेणुक आपने डेरी करूँ ना एवं ही जॉइन हूँ और एग्जाम पूर्वर पूरा भल भाव प्रस्तुत हो रुंतु जमी यही थर जेको भी कारण एभली अपॉर्चुनिटी आउ आगू मिल कि न मिल सेमती किसी कही हेब ना, तेणु जब बर्तमान किसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो से ही अपॉर्चुनिटी को हाथ छड़ा जमा भी करूँ ना, तो डेरी करूँ ना ग्रुप में जॉइन हो जातु जल्दी। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल ऑफ यूआरएल, तो ये जो यूआरएल रहा जो यूआरएल http://www.xyz.com, तो ये जो यूआरएल रहा तो आर जो एस टी टी जो सी पचारा कौन आ भितर कौटा गोटे आर प्रोटोकॉल, तो देखते आम जो xyz.com यहाँ जो रहा यहाँ हूँ आम कौन ना गोटे डोमेन नेम, आ जो एस टी टी रहा जोटा को आम फुल तार फुल फॉर्म हो कौन ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मन रखते एस टी टी फुल फॉर्म आपर एग्जाम प्राय टाइम आना एस टी टी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एस टी टीटा है कौन ना प्रोटोकॉल ऑप्शन डी आपंकर सठिक उत्तर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखते फ्रेंड्स आम
बेसी मेचा मेचा क्वेश्चन डिस्कसन करिया नै से 20 25 टी क्वेश्चन हो कि मैं 30 टी क्वेश्चन हो पछे आमे पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डिस्कसन करिया जोटा कि आपनकर एग्जाम रो पॉइंट ऑफ व्यू रो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहबो। तो आपनको सिन्ता क्विज जति मु चाहंती पर सब्जेक्ट आपनको 40 टा 50 टा लगे क्विज आपनको प्रोवाइड कर दियंती किंतु इयार सोड क्विज प्रोवाइड करी किछि फायदा नै सेही 10 माने प्रति सब्जेक्ट इंग्लिश रो 10 टी हला ओडिया रो 10 टी हला तो सेही जो 10 टी 10 टी प्रोवाइड करछु किंतु पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराउ छी कोनोसी इयार सोड एवं 100% एरर फ्री रहया पे क्विज गुड आमे चेस्ट करुचु। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण कोन देला कोन ना ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स द कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड द प्रोग्राम फ्रॉम द पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर आज। तो सी पचाला कोन ना गोटे सेंट्रल कंप्यूटर रहू छी जोटा कि आपणकर ता अंडर बहुत सारा पीसी बहुत सारा डाटा बहुत सारा वर्क स्टेशन रही छी तो सेमानकर डाटा को से होल्ड करिक रखू छी। तो से जो सेंट्रल कंप्यूटर रहला से सेंट्रल कंप्यूटर को आमे कोन कहि दउ ना सेटा गोटे सर्वर बोली कहि दउ आमे ने यूट्यूब रो आमे सब बहुत सारा यूजर रहले यूट्यूब रो गोटे मेन सेंट्रल कंप्यूटर जोटा रही थो सेटा सब जाक यूजर को सी हैंडल करते तो सेटा को आमे यूट्यूब रो गोटे सर्वर भी आमे कही था। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड स्टोरेज। तो प्रथम कंप्यूटर जे कि स्टोरेज प्रोवाइड करथला तो यार नाम होच कोन ना एटसैक ऑप्शन ए यार सटीक उत्तर। तो एटसैक रो फुल फॉर्म होच कोन ना इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एटसैक रो फुल फॉर्म। तो ये होची आपनकर फर्स्ट कंप्यूटर जोटा कि स्टोरेज प्रोवाइड करथला। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश की। तो कंट्रोल हला कंट्रोल की हला शिफ्ट की हला ऑल्ट की हला एरा सब होउ जोंदी कोन कोन ना एरा सब गोटे गोटे होउ जोंदी मॉडिफायर ऑप्शन सी आपनकर सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखों तो आर जो नेक्स्ट क्लास मु ट्राई करू जी आपनकर इंग्लिश रो कंप्लीट थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करिया पे देखों तो इंग्लिश रे आपन मानकर किछि भी डाउट रहइबोनी जहां भी आपनको इंग्लिश रे प्रोवाइड करा जइबो सेति की आपन माने नोट करि रखंतु नोट जेतला जहां भी क्लास होई सेगुडी का आपन नोट करि रखिबे निश्चय भाबे आपन माने एग्जाम पूर्वर सेगुडी को रिवाइज करिवे एवं जहां भी हमरो ई बुक जो प्रोवाइड कराई छि पेड ग्रुप रे सेही जो ई बुक रो जहां सारा जत्ते सारा पर चैप्टर आपनको 50 टा 100 टा 200 टा एमदी आपनको क्विज क्वेश्चन प्रोवाइड कराई छि सेही क्वेश्चन गुडी आपन प्रैक्टिस कर दे आउ किछि आपन प्रैक्टिस करिया ओकने डायरेक्ट क्वेश्चन आपनको एग्जाम रे मध्ये देखियागु मिलिबो। तो एतिकी भरोसा रखंतु आम उपरे आपण माने निश्चय प्रिपेरेशन करंतु आमे आपण सहित सबुबेले रहिजु आउ आपण माने एमिति सपोर्ट करि जालंतु आ पूर्व क्लास रे जो माने ओडिया ग्रामर क्लास टी देखिनांती निश्चय आबे आई बटन रे लिंक अछि आपण माने जाई देखिनेबे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कला कौन ना द थ्रेसर्स टूल इन एमएस वर्ड इज यूज फॉर। तो आम जो एमएस वर्ड रे जो थ्रेसर्स टूल रहला तो थ्रेसर्स टूलटा आम कौन पे यूज होते ना सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो वर्ड रो सिनोनिम माने प्रतिशब्द विपरीत शब्द जोटा कहे तो वर्ड रो सिनोनिम एंटोनिम पे आम थ्रेसर्स टूल आम यूज कर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना हाउ कैन यू इनक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। आपण माने केमिति गोटे फॉन्ट साइज टा आपण 1 पॉइंट इनक्रीज करि परिबे माने केउ शॉर्टकट की यूज करिकी। तो एठार देखंथु फ्रेंड्स आपण मानको देखंथु मु एटी टोटल ए जो सेंटेंस टा मु चूज कर सिलेक्शन करछि तो एटा मु आपण जेतो क्वेश्चन बनौथली सेही जागे रे सेही संगे संगे आपण को प्रैक्टिकल करछि देखंथु सेही सेम क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन ने देखंथु। तो देखंथु एटा टोटल आपण माने सिलेक्ट करले सिलेक्ट कला पर एटी देखंथु एटी शो कला कोन फॉन्ट साइज केते अछि ना 11 अछि बाय डिफॉल्ट आपण को 11 ही रहिथे। तो ताकु मु कोन कली ना हमर जो शॉर्टकट की रहला को शॉर्टकट की यूज करलु जहाँफल कि जो सिलेक्टेड जो वार्डटा अच्छे से मुझे सिलेक्शन करी को शॉर्टकट की यूज कली जहाँफल तार पॉइंट टी 11 के ना 12 पॉइंट को इनक्रीज है। तो सहीटा से जो शॉर्टकट की हूँ कौन ना कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आप कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट जब क्लिक करिए तले सेटा 1 पॉइंट इनक्रीज हो ये शॉर्टकट की आप भल भाव मन रखुद। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो फ्रेंड्स पीडीएफ आपने जमा भी व्यस्त होने पीडीएफ टी जो पीडीएफ टी आपको आम जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप रहा साउजी स्टडी डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी नाई तो टेलीग्राम डायरेक्ट जाए साउजी स्टडी सर्च कर ग्रुप जॉइन होती से ग्रुप आपको जहाँ भी क्लासेस गुड़िक हम तार पीडीएफ गुड़िक प्रोवाइड कर दिजिव। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन देला कौन ना फ्रॉम व्हिच मेनू यू कैन इनसर्ट हेडर एंड फुटर। तो क्यों मेनू आपने हेडर आउ फुटर को इनसर्ट करें से पचारा। तो आम जो हेडर एंड फुटर आम क्यों मेनू रोज ना एटार देखो इनसर्ट मेनू को जी वार्ड आप इनसर्ट मेनू को जी तार एठार देखिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन आसीज। तो हेडर एंड फुटर आम इनसर्ट मेनू में अच्छे ऑप्शन ए आपंकर सटीक उत्तर। देखो फ्रेंड्स आपर जब कंप्यूटर किंवा लैपटॉप अच्छी आपने टाइम मिले बेले बेले वार्ड है पावर पॉइंट है एक्सेल है आपने खोलतु
होम मेनुरे क्लिक करिए देखिए ता अंडर कौन कौन अच्छी इनसर्ट मेनुरे क्लिक करले ता अंडर देखिए कौन कौन अच्छी आमर मनकर इनसर्ट मेनु खोल इनसर्ट मेनुरे आपनकर कवर पेज अच्छी ब्लैंक पेज अच्छी तापर आपनकर टेबल अच्छी पिक्चर अच्छी सेव अच्छी तापर हेडर फुटर अच्छी तो यही सब जिनस आपने जिते आपको टाइम मिलूँ फ्री टाइम मिलूँ जिते आपने लैपटॉप किंवा कंप्यूटर खोली देखु जहाँफल यही आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम देखा मिलूँ तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कहला डैश इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा तो अपर केस को लोअर केस कर लोअर केस को अपर केस कर तो क्यों मेनु क्या द्वारा ना आम टोगल केस द्वारा ऑप्शन ए आपंकर सटिक उत्तर तो टोगल केस आपंकर कौटाई थाए वार्ड में आपण मैंने यही जगह क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपर एठार देखते टोगल केस ऑप्शन आसो ये जो केस अच्छी देखो यहाँ मुझे ए सीटा को मुझे सिलेक्ट कली सिलेक्ट कर टोगल केस मारदी से लोअर केस अपर केस अपर केस चेंज हो लोअर केस मैंने स्मल लेटर में थी अपर केस मैंने जी आप सिलेक्ट करके टोगल केस मारदे से कैपिटल लेटर हो जी कैपिटल लेटर अच्छी आपड़ा सिलेक्ट करी मारदे टोगल केस तेटा स्मल लेटर हो तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन ना बाय प्रेसिंग F8 की तो थ्री टाइम्स सिलेक्ट तो आपण मैंने जगह रखिए ये जगह क्रसरटा अच्छे जगह रखिक आपने F8 की को तीन थर जब प्रेस करदे सेटा कौन हो टोटाली सेन्टेन्सटा को से सिलेक्ट करदेव तो ऑप्शन बी आपणकर सटिक उत्तर ना आपण मैंने कहे लैपटॉप जब आपर अच्छी आपर जब फंक्शन की रोटे ऑप्शन थी आपने फंक्शन की को चिपिकी F8 को तीन थर जब मारे तो सेन्टेन्सटा सिलेक्ट हे कारण कि डेस्कटप जब आप नर्माल अच्छे आपने F8 को तीन थर जो चिपी दौर आपर सिलेक्ट हो तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल तो कॉपीराइट सिंबल तैयारी करिया पे आपण माने को शॉर्टकट की यूज करती तो यार राइट आंसर देव कौन ना ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी जदि आपण माने सिलेक्ट कर प्रेस करदे ताले आपणकर एमदी कॉपीराइट सिंबल डी हेइ जीवो तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रंट साइज अवेलेबल इन द फोन टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार तो देखो फ्रेंड्स आमर जो फॉर्मेटिंग टूल बार रहा तो से स्मॉलेस्ट एवं लार्जेस्ट फ्रंट साइज कोटा भी से पचारा तो देखो एठार जो देला फॉर्मेटिंग टूल बार तो एठार फॉर्मेटरे आमर लार्जेस्ट आउ स्मॉलेस्ट हूँ कैसे लार्जेस्ट हूँ 72 और स्मॉलेस्ट है कैसे ना 8 आ बाय डिफॉल्ट आप कौन सिलेक्शन होगी रही है ना बाय डिफॉल्ट आप 11 सब सिलेक्शन होगी रही है तो यार राइट आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना ए कैरेक्टर दैट इज रेस्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज तो आपण मानकर ये एक्स अच्छी एक्स ऊपर यहाँ बेस लाइन टू ऊपर रहा स्मॉलर रे रहा कौन स्क्वायर तो यहाँ को आम कौन कही था ना यू सुपर स्क्रिप्ट बोली कही था ऑप्शन सी आपंकर सटिक उत्तर आज जी S2 है तो ये जगह यहाँ है कौन ना सबस्क्रिप्ट ऊपर रे सुपर स्क्रिप्ट तल रे सबस्क्रिप्ट तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन ताको भितर कोटा गोटे पेज मार्जिन ना टाइप नो तो पेज मार्जिन आपनकर लेफ्ट रे भी हेपर राइट रे भी हेपर टॉप रे हेपर किंतु सेंटर रे हेई परबो नै पेज मार्जिन ऑप्शन सी आपनकर सटिक उत्तर तो फ्रेंड्स चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखबे नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG तो PNG रो फुल फॉर्म कोटा बिली से पचाला तो देखंतु फ्रेंड्स PNG रो फुल फॉर्म हला पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऑप्शन डी आपनकर सटिक उत्तर तो फ्रेंड्स आपण माने जदि बहुत मात्रा कमेंट करबे ताले आपनकर ओडिसा पुलिस रो जत्ते सारा एग्जाम ओडिशा पुलिस है फायर है IRB OSB OISM है सब जगह बाटालियन जहाँ भी आपंकर एग्जाम हो रिसेंटली जिते भी सारा एग्जाम हो सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सपोर्ट देखेंगे तो निश्चित भाव सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT तो CRT रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचारा तो CRT रो फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब ऑप्शन बी आपंकर सटिक उत्तर तो फ्रेंड चलते आज लास्ट क्वेश्चन देखिए सेसन टी एंड करवा तो लास्ट क्वेश्चन देखा कौन ना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP तो ISP रो फुल फॉर्म कौटा बोली से पचारा तो ISP रो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन ए आपंकर सटिक उत्तर
तो देखो फ्रेंड्स आपंकर टोटाल आंसर आपको प्रोवाइड कराई सब गुड़ी आपको आमर फ्री टेलीग्राम ग्रुप साउजी स्टडी में अपलोड कर दिजो बाकी आपने पेड बैच रेमो देखापी चाहते तेल देखी नि क्विज सब यही फर्माट्रे एवरीडे आपंकर क्विज चलती आप देखते 50 क्विज 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपंकर LSI फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर पर 10 आपंकर RIRA अमीन पर पेड ईबुक प्रोवाइड कराई तेरे स्पेशल ओडिशा जीके ओडिशा करंट अफेयर बुक देन आपंकर पेड टारगेट स्टडी मेटेरियल ओ ट्रिपल एस एस प्रोवाइड कराऊ तो देखते ये भाव ओडिशा जीके सब प्रोवाइड कराऊ देन आपंकर स्टडी मेटेरियल जो बुक गुड़िक रहा यही आपको सबकि प्रोवाइड कराऊ तो जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा आपण मैंने 833-88-50-200 यही नंबर में मत पेमेंट करी स्क्रीनशॉट नहीं मत यही नंबर व्हाट्सएप रे सेंड कर दिखाँ आप ग्रुप रे ऐड कर दिया जीवो तो आज भी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।